हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ सऊदी के अंदर जिस तरीके से सऊदी के अंदर इंडियन आदमी को मारा जाता है और सऊदी गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी नहीं लेती है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ चलती हुई गाड़ी में और स्टेयरिंग के बीच में मेरा मोबाइल रखा हुआ है, इसके लिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। तो पूरी वीडियो देखिए, आज सऊदी के बारे में बात करने वाला हूँ किस तरीके से हर दूसरे तीसरे महीने इंडियन आदमी मारा जाता है सऊदी के अंदर, उसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है और न हमारी एम्बेसी, जो हमारी एम्बेसी इंडियन एम्बेसी जो सऊदी के अंदर है वो भी एक्शन नहीं लेती है। इसी तरीके से जिस तरह आज एक कांड हुआ है, एक इंडियन आदमी को, इंडियन नागरिक को मारा गया है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है। इसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तीन चार महीना पहले तीन इंडियन आदमी को मार दिया गया था। अब यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट बोलेगी कि खारजी लड़े वहाँ पर। अरे भैया, खारजी लड़े वहाँ पर, आपकी पुलिस, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पर? मतलब मार दो, कोई भी एक्शन नहीं उसके ऊपर, कुछ भी नहीं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सरदार को मारा गया है सऊदी के अंदर, एक पाकिस्तानी को, यस पाकिस्तानी ने मारा है। तो ये होता है सऊदी गवर्नमेंट, अभी कोई भी बंदा एक सऊदी नागरिक को मार देगा, वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट जाग जाएगी, तुरंत अरेस्ट कर लेगी 15 मिनट के अंदर और तुरंत एक्शन हो जाएगा। अब इंडियन मारा जाता है हर दूसरे तीसरे महीने, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं, क्योंकि वो इंडियन मारा जाता है तो सऊदी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। बुरा लगेगा उन लोगों को जो सऊदी के ऊपर अपने मूंछों ऊंचे करते हैं, सऊदी गवर्नमेंट एक नंबर है, क्या घंटा एक नंबर है। सऊदी नागरिक जो होते हैं, सऊदी नागरिक पेट्रोल डला लेते हैं, बकाला भरा सामान ले लेते हैं, भाग जाते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं। रियाद में ऐसे कई कांड हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। कई ऐसे हमने वीडियो देखा है जो रियाद के हैं, पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल डला के टंकी फुल करा लेते हैं गाड़ी का, भाग जाते हैं और साथ में उस पाइप की भी वार्ड लगाते थे जिस पाइप से पेट्रोल डाला जाता गाड़ी के अंदर। और इसी तरीके से कई बकाला से सामान लेते हैं और फरार हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है सऊदी गवर्नमेंट तरफ से, कोई भी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सऊदी नागरिक है। अभी कोई खारजी, कोई अजनबी वहां से पेट्रोल डला के भाग जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर वहां की पुलिस अरेस्ट करेगी, पकड़ लेगी, सिर्फ कोई खारजी करेगा। पेट्रोल डलाते हैं, पैसा छीन लेते हैं वहां पर, उसके बाद उनका कपिल भी पकड़ काट लेता है और सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा कैद है, सारे कांड वहां के कैद है और सऊदी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है। जो कोई सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे सऊदी नागरिक हो या खारजी हो, कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सऊदी गवर्नमेंट तुरंत जाग जाती है, उसको 15 मिनट के अंदर अंदर मजरा से पकड़ के लेके आती है, 15 मिनट के अंदर ना मजरा से पकड़ के लेके आती है, डाल देती जेल में। इसी तरीके से कुछ दिन पहले टिकटॉक पे एक सुदानी बंदा, वो परेशान था, बकरी चला रहा था, उसने वीडियो बनाया सऊदी गवर्नमेंट के बारे में, पुलिस मजरा में पहुंच जाती है 100 किलोमीटर अंदर मजरा में, उसको लोकेशन मिल जाता है, अरेस्ट कर लेती है। पर यहाँ एक इंडियन मारा जाता है हर दूसरे तीसरे महीने, इंडियन मार दिया जाता है और कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, कि कोई भी कानून नहीं बनता है। आप बोलेंगे कि खारजी मारा गया, खारजी की वजह से खारजी मारे गए, भैया खारजी की वजह से खारजी मारे गए तो लोग बोलेंगे सऊदी का कानून एक नंबर, सऊदी का कानून बहुत कड़क है, वहां किसी को मार नहीं सकता है। भैया यहाँ देखिए कितने लोग मारे गए, अभी 3-4 महीना पहले 3 लोग मारे गए, आज एक बंदा मारा गया रियाद के अंदर एग्जिट नंबर 2 पे, लोकेशन दे रहा हूँ आपको, एग्जिट नंबर 2 पे मारा गया है, इंडियन मारा गया, वो हिंदू हो या मुसलमान, हम ये नहीं देखेंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मार खाने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, ये हम देखेंगे। अब इसी तरीके से साल में 10-12 कत्ल हो जाते हैं सऊदी में, सिर्फ इंडियन को टारगेट करके मार दिया जाता है और सऊदी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो सऊदी में, ये तो हराम के पगार लेते हैं, हराम के पगार, क्योंकि इनको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इनको पगार से, मतलब है इंडियन लोग एम्बेसी जाते हैं, 4-4 5-5 दिन वहीं पड़े रहते हैं बाहर, एम्बेसी के बाहर होटल में खाना खाते हैं,
500 किलोमीटर दूर से जाते बेचारे, वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन हमारी एम्बेसी कुछ नहीं सुनती सऊदी के अंदर, क्योंकि हमारी एम्बेसी को पैसा चाहिए, पगार मिल जाता है, घोष चाहिए तब तुम्हारा काम करेगा, 1000-1200 रुपया लेगी। जितना बंदा एक महीने में कमाता है वो 5 मिनट में लेते हैं। तो ये है वहाँ की कहानी, बहुत दुख भरी कहानी है। और मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ जो सऊदी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, किंग सलमान के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो वहाँ पुलिस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जरा एक से एक बार उन लोगों के ऊपर वीडियो बना के दिखाओ उन लोगों के खिलाफ वहाँ पर, कि जिस तरीके से बंदा मारा जाता है, जिस तरीके से वहाँ पेट्रोल पंप पे चोरी होती है, जिस तरीके से बकाला से चोरी हो जाती है, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। कभी बनाओ वीडियो, हम भी देखे कितना पावर तुम्हारे अंदर। और हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो सऊदी के अंदर रह के सऊदी की तारीफ करते हैं, अबे तुम कौन से मुंह से तारीफ करते हो, कौन से मुंह से तुम तारीफ करते हो सऊदी की, शर्म कर लो, शर्म शर्म नहीं तो चुल्लू भट पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारा नागरिक, तुम्हारे देश का इंडियन आदमी मारा जाता है, कभी कोई पंजाबी मारा जाता है, कभी कोई मुस्लिम मारा जाता है, कभी कोई हिंदू मारा जाता है। सऊदी गवर्नमेंट सिर्फ यूज करती है, हम लोगों की यूज करती है, और सऊदी के बारे में कोई भी गलत बोलता है, कोई भी खिलाफ जाता है, 15 से 10 मिनट के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेती है। हर साल में 10 से 12 कत्ल हो जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट तमाशा बनकर देखती रहती है, हमारी भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और वहाँ से अभी पोस्टमार्टम होने में अब देखो कब तक उलास आती है, आज मर्डर हुआ है, अब देखो वहाँ से कब तक इंडिया भेजा जाएगा, वहाँ इंक्वायरी करेंगे किस तरीके से क्या हुआ। भैया वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हजारों कैमरे लगे हैं जगह जगह पर। अब इंक्वायरी करने के बाद जो हमारा बंदा सड़ जाएगी लाश, सब कुछ हो जाएगा, उसको भेजेंगे। तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरीके से हमारे लोग को मारा जा रहा है, जिस तरीके से सऊदी के अंदर बदनाम किया जा रहा है, और सऊदी में ना जाने कितने लोग पड़े हैं, सऊदी जेल में कितने बेकसूर इंडियन आदमी पड़े हैं, और इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं करती है। इंडियन आदमी वहाँ पड़ा हुआ है जेल के अंदर सड़ रहा है 10 साल से, कम से कम लाखों इंडियन आदमी हैं जेल के अंदर। भैया इनके ऊपर कोई एक्शन ले लो, कोई भी नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब नहीं ना किसी से, किसी गरीब घर का बंदा गया, कोई गरीब घर का मारा गया है।